ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विजे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। अंग श्यामलि छटा विरमितो मंदिकतेन्दीवरम् जड्डञ्जागुटरोचि संविदधतम् पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनम् मृदुलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेम् दामो। गतकल्ल हम लोगों का प्रपूज्य चरण नित्य लीला पृष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का विरह तिथि विरह तिथि निर्विघ्न और सुष्ट रूप में संपन्न हुआ और बहुत से लोग जितने वक्ता हैं करीब करीब बहुत अधिकांश लोगों ने उनकी महिमा का वर्णन किया। आज भी एक परम वैष्णव का महाभागवत का आविर्भाव तिथि है। वो हैं हमारे जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के नित्य परिकर ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्त रूप सिद्धांति महाराज। वो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। एक बार पहले मठ में आए और कुछ दिन रहे और देखा जैसे यहाँ तो सभी बड़े बड़े विद्वान हैं, वक्ता हैं, इसलिए घर में लौट करके चले गए और वहां पढ़ने लगे लॉ। और कुछ दिनों के बाद में मेरे गुरु जी उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वो गए और उनको समझा बुझा कर लॉ पढ़ना छोड़ा कर और उनको फिर मठ में ले आए। तब से वह गुरु जी को अपना शिक्षा गुरु मानते थे। और भी शास्त्रों में बहुत निपुण थे। उन्होंने अत्यंत कठिन वेदांत गोविंद भाष्य का विस्तृत रूप में उन्होंने प्रकाशित किया है और उसमें भी विशेष बात यह है जो हमारे गुरु जी भी चाहते थे, श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। श्रीमद् भागवत गायत्री भाष्य असौ वेदार्थ परिवर्णित अर्थोयंग ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का ये अर्थ है। तो जितने भी श्रीमद् ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र के, उनमें से अधिकांश श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन किया गया।
कहां पर किस रूप में है, इसका सामंजस्य करते हुए प्रत्येक सूत्र के साथ में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का समन्वय करते हुए उन्होंने दिखलाया है। बहुत विस्तृत रूप में वो छपा है, विद्वानों के लिए बहुत आवश्यक है। यही नहीं, हम लोगों में कहीं भी केन कठ इत्यादि ये सब नहीं मिलते, लेकिन तो परम पूज्यपाद महाराज जी ने इनका भी, हमारे गोस्वामियों ने जैसे उसकी व्याख्या की है भक्ति परम, उस प्रकार से इन्होंने कर करके इन तीनों को छपवाया। ग्यारह उपनिषद छपवाया था, ग्यारह उपनिषदों को जो प्रधान है, जिस पर शंकराचार्य ने टीका लिख करके भाष्य लिख करके मायावाद प्रकाश किया है, उनको खंडन करते हुए ये सब लिखे। यही नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तीन पुस्तकें बिंदु किरण कणा एक तीन निय वैष्णव पना, इसका भी उन्होंने किया। मैं इन सब ग्रंथों का उनसे ग्रहण करके उसी के ऊपर से मैंने हिंदी अनुवाद करके कुछ और बढ़ा करके, किंतु आधार पूज्यपाद के ही प्रकाशित ग्रंथ हैं, उन्होंने मैंने प्रकाशित किया। इसके भी अतिरिक्त और भी गीता, ये प्रधान चीज, बलदेव विद्याभूषण का गीता भी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका भी, हमने उनके उनकी गीता का अवलंबन करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्हीं की टीका लेकर के हिंदी में, और मैंने गीता की रसमयी टीका का प्रकाशित किया जो आज समस्त विश्व में वो सब लोग ग्रहण कर रहे हैं बड़े आदर के साथ में। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद भी उद्धव संदेश, इनके शिक्षा गुरु शिष्य भक्ति विवेक भारती महाराज जी थे, उनके साथ में रहते थे, तो उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उद्धव संदेश उन्होंने ही किया था ना? अच्छा, इच्छा थी किंतु नहीं कर सके, किंतु महाराज जी ने किया। उनके साथ में रह करके अंत में प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद में प्रचार करते थे। अंत में हमारे गुरु जी के अप्रकट होने पर हम लोगों ने उनको बुलाया, रात में आए और उनकी समाधि इत्यादि सबको उन्होंने अपने हाथों से करवाया हम लोगों को। यही नहीं, अभी जो गौड़ीय वेदांत समिति का ढांचा था, परम पूज्य गुरु महाराज जी ने हम कुछ करके नहीं गए, हम लोगों ने विशेष करके मैं और त्रिविक्रम महाराज जी दोनों आदमी वकीलों के पास जाकर इधर उधर जाकर के और उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया और उसके अनुसार में पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी ने उसको आकर के क्रियान्वित किया। पूज्यपाद बामी महाराज जी को उस बिल के अनुसार में उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कराया, मुझको सभापति सहसभापति और टीचिंग का सब भाग और मथुरा इत्यादि उत्तर भाग में सब हमारे ऊपर में भाग रखा गया। त्रिविक्रम महाराज जी को साधारण संपादक जनरल सेक्रेटरी उनको किया और इस तरह से सबको ठीक ठाक कर करके, पर्यटक का कोई पद नहीं था तो उसको भी एक पद दिला दिया, क्या कमांडर इंचार्ज कमांडर पद सृजन करके
सबको मिला जुला करके किया और हम लोगों ने उनके आदेश के अनुसार में गुरु जी के बाद में 60 वर्षों तक बड़ी ठीक से और हम लोगों ने संचालन किया और अंत तक रहा। पूज्य पात्र भी कम महाराज जी चले गए, जब तक पूज्य पात्र बामन महाराज जी थे सब ठीक ठाक था। उनका प्रकट होने के बाद में उनके जथा कथित बल्कि गुरुद्रोही उन लोगों ने गड़बड़ करके छोड़ दिया, इसलिए हमने भी छोड़ दिया। अब क्या जाने क्या कर रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करे। तो पूज्यपाद महाराज जी का हमारे वेदांत समिति के ऊपर में बहुत देर, हम लोग कभी चले जाते हैं उनके आश्रम में और रसगुल्ला और संदेश बहुत सुंदर संदेश रहता था और संदेश को हम लोगों को बड़े प्रेम से खिलाते थे। चाहे हम लोग यहाँ पर जाएं कलकत्ते में उनके मठ में, चाहे जहां भी हम लोग जाते थे बड़े आदर करते थे। सबसे बढ़िया प्रसाद बनता है और उनके यहाँ सबसे अच्छा प्रसाद बनता था। अभी भी रसानंद जी सिद्धास्त हैं, आज देखिएगा जो कैसा जल कैसा खिलाएंगे। हाँ, एक समय गुरुजी और सिद्धांत पूज्यपाद सिद्धांत महाराज उस समय में थे, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, वो गए भिक्षा करने के लिए तरकारी के बाजार में और 2 बोरा सब्जी मिली, एक बड़ी वाली और एक छोटी हुई, 2 बोरे में बैग में। गुरुजी कहते थे मैं तुमसे बड़ा हूँ मैं बड़ा लूंगा, और वो कहते आप हमसे बड़े हैं इसलिए मैं बड़ा लूंगा, दोनों में खिंचाता है। अंत में उन्होंने लिया बड़ा वाला ने। इस तरह से और भी बहुत सी कथाएं होंगी, मुझे याद नहीं। श्रृंगार करने में हाँ, एक समय में वो नेमी महाराज जी के साथ में वेस्ट पूर्व बंग में प्रचार करने के लिए गए, उनके साथ में और भी ब्रह्मचारी थे, ये भी थे, 2-1 जगह खूब उन्होंने प्रचार किया और 1 जगह में 10,000 आदमी 15,000 आदमी जुटे थे। वहां पर ब्रह्मचारी जी को कहा गया, उन्होंने कहा कि तुम कुछ बोलो, और उन्होंने बेधड़क होकर के भाषण दिया खूब जोर से जोशीले रूप में और कहा कि पश्चात देशों में वो किनका शिष्य रामकृष्ण का शिष्य गए, क्या प्रचार किया, कुछ भी प्रचार ने हमारे भारतीय संस्कृति का उल्टा प्रचार किया, इसलिए वे विवेकानंद नहीं है विवेकानंद, विवेकानंद माने क्या, और विश्व में आज रविंद्रनाथ ठाकुर की पूजा हो रही है वो क्या है, वो राम छागल है। वो क्या प्रचार करेंगे, भारतीय संस्कृति का सब नष्ट किया। इसको सुन करके जितने वहां श्रोता थे सब बिगड़ गए, कुछ को छोड़ करके जो समझते थे तो वो नहीं बिगड़े, किंतु जो नहीं समझने वाले अधिकांश ही बिगड़ गए और नहीं हम लोग सुनना चाहते हैं, सभा बंद हो गई। तब उन्होंने टेलीग्राम किया नेमी महाराज ने, आज हमारा प्रचार सब कुछ चौपट कर दिया इसने सिद्धांति ने। तब प्रभुपाद ने उत्तर दिया आज हमारा प्रचार
लाखों करोड़ों रुपए का हमारा प्रचार हो गया। हम ऐसे ही स्पष्टवादी ब्रह्मचारी और सन्यासियों को चाहते हैं प्रचार करें। तुम लोगों ने नहीं प्रचार किया बल्कि इसने प्रचार किया। ठीक है, सभा डाको और मैं अभी आ रहा हूँ। और आए कुछ दिनों के बाद, दो चार दिन के बाद, और वहां पर सभा हुई और उन्होंने खंडन मंडन करके स्थापित किया। फिर लोग शांत हो गए, खूब प्रचार। ऐसे ये थे, धुरंधर थे। पुरी में मठ स्थापन किया, नवद्वीप में स्थापन किया और कलकत्ते में स्थापन किया। पुरी में स्थापन किया, वहां करोड़ों रुपए लगा करके ऐसी चित्रकारी की है। हमारे भारतीय संस्कृति का महाभारत से लेकर के, रामायण से लेकर के और महाप्रभु की लीला, कृष्ण लीला सबका किया है, जो पहले कहीं नहीं था। उसके देखा देखी आज हम लोग ये सब कर रहे हैं। कोई कहीं ऐसे रुपया इधर उधर क्या जाएगा, ठाकुर जी की लीला में उन्होंने सब रुपये लगा। इस तरह से उनके चरणों में हम लोग, उनके तिरुभाव आविर्भाव के दिन में उनके चरणों में हम नमन करते हैं। और अभी रसानंद ब्रह्मचारी उनके संबंध में कुछ और बोले। ऑल आर हियरिंग, ऑल यू आर हियरिंग, हू इज नॉट हियर, तो यू शुड स्पीक सर इन ब्रीफ। Today, the appearance day of the Tibetan priest Lama Tsering Siddhanta Goswami Maharaj. Guru Maharaj, he was a Mahabhagavat, an extremely qualified person, and very young age he came to the Math there in Mayapur. But when he saw that all the Mahabhagavatis spoke English, they were all very learned, they knew Sanskrit, and he thought, I cannot stay here because I am not learned. Then when he returned to his village to study law, that time Apar Gurudev, at that time his name was Sri Vidor Imamitri Ramachari, he went there to his village and preached to him, and again brought him back to the mat, to the feet of Prabhupada, Saraswati Thakur. Therefore, Sri Rupa Sanatana Maharaj always saw Apar Gurudev like his Shishi Guru. He was most expert in Shastra. Therefore, he performed many translations of the original Sanskrit into Bengali. He translated the Sri Govinda Bhasya of Simaladevi Devusan. And especially, he did a very great thing. We have heard that the Srimad Bhagavatam is a natural commentary on the sutras of the Vedanta. But how and which way, no one could understand until Sri Srimad Sanatana Maharaj. He took all the sutras from the Brahma Sutra and showed where the corresponding verses that explained those sutras were in the Srimad Bhagavatam. He wrote commentaries and translated the 11 Upanishads, and he completely destroyed the formal commentaries given by Sri Sankaracharya. He translated the three books, Sri Bindu, Sri Kiran, and Khan, by Sri Baladev, by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. And Guru Maharaj said, I used all them as my main basis when I translated them into Hindi. Also, he did the great work of translating the Gita's commentaries written by Sri Baladev Vijayamurti and Sri Vishwanath Chakravarti Thakur from Sanskrit to Bengali. And Guru Maharaj said, I used those to translate them into Hindi, and now those commentaries are going all around the world. I did it only the help of his commentary. Also, Udev Sandesh, he did. He always used to stay with Sri Bhakti Vivek Bharati Maharaj.
And at the time of the disappearance of our Param Gurudev, Gurudev says, we called Srila Sarupa Siddhanti Maharaj. He performed the Samadhi ceremonies of our Param Gurudev. And especially Gurudev and Srila Chivakar Maharaj, taking their lawyer, they went to see Sarupa Siddhanti Maharaj for advice how to ground the Smriti after the disappearance of Srila Param Gurudev. And therefore he showed us how to do everything. He made Srila Chivakar Maharaj the general secretary. He made Gurudev the Samapati. And under his guidance, Srila Bhagavan Maharaj took the position of Acharya Pan, Acharya. So, he gave so much help to our Lord Nanda Samiti after the disappearance of our Param Gurudev. And as long as Srila Bhagavan Maharaj and Srila Chivakar Maharaj were there, the Vedanta Samiti was running in a very pleasant manner, in an undisturbed manner. But upon the disappearance of Srila Bhagavan Maharaj, all those who had rejected the feet of their Guru Drohis, they also kicked Gurudev out of Samiti. So Gurudev said, anyhow, we wish them all the best, good luck to them. But they... I resign. But they accepted. So, Gurudev said, anyhow, what they're doing now, we cannot imagine, but we wish all the best for them. Also, he fixed the date of our Guru Maharaj's appearance date. Someone told that Guru Maharaj's appearance day is Chaturdashi. But he told, no, don't tell. And you should tell and write in our Panjika and everywhere of Shardiya Purnima. That is why we are. Some people were saying to make Param Gurudev's disappearance one day before the full moon. But Sri Srupa Siddhanta Maharaj says, no, he disappeared on the full moon. So he was very expert in making prasad. The Guru Maharaj said when he used to go there, especially he used to give very excellent sandesh. And in these months there's always the best prasad of anyone. So like those people who went to the Dasananda just to cook it, then you can see. How much affectionate relationship we had with our Param Gurudev. One time they collected sabji from the bazaar, and there was one potato sack full of vegetables that was very big, and another small one. And both were fighting our Param Gurudev and Sister Sudhani Maharaj. That's how his name was, his Brahmachari name was. Siddhasana Brahmachari. And both were fighting to take the big bag of vegetables. These days it's the opposite. At that time, Param Gurudev was saying, I'm bigger than you, I'm senior, I will take the big bag. And Sri Brahmacharya was saying, no, because you're big, then I should take the small one. You're senior to me, therefore I should take the big one, you should take the small one. And both began to argue over the bag of sabji, but Sri Siddhanta Maharaj, he ended up winning and taking the big bag of sabji. Therefore, also, at that time, Sri Gambasta Nili Maharaj had organized prachar under the guidance of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. They went to Bangladesh, especially Mam Singh was. That time they organized a preachy, and they organized a big assembly in the town hall. And maybe 10,000 persons came, all the senior persons of that district. Then they gave that Brahmachari, Siddhasana Brahmachari, they gave him a time to speak. That time he boldly said, that time in Bangladesh there's two national heroes. One is Vivekananda, the disciple of Ramakrishna, who started the Murti Mission. That time Sri Siddhanta Maharaj, he very boldly said, who is Vivekananda? He did nothing. All he did was give a completely distorted siksha of Sanatana Dharma and preach his teaching all around the world. Actually, he's not Vivekananda, he is Vivekananda. That means someone... What? What name? Vivek. Vivekananda. Vivek. Vivekananda. Ve means no. No Vivek. He has no discrimination. So everyone became very angry. But the second... And also he told Rabindranath Tagore, who has given Nobel Prize, and he told he is Ram Chagal, he is goat. Sometimes it should be goats, and they have a big long beard. So he said that Rabindranath Tagore, who won the Nobel Prize, he is a Ram Chagal. Ram Chagal means a goat with a big long beard.
So everyone became very much disturbed, and there was a riot, and the whole assembly was rocking. Everybody became very angry. That time Gamasta Nikamaraj, he wrote a telegram to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. This Brahmachari has completely demolished all our preaching in Bangladesh. Then Srila Prabhupada wrote an answer. No, I'm finally glad that one Brahmachari Sannyasi has finally understood how to preach. He has done millions of rupees worth of preaching, and I'm coming out tomorrow to prove that everything he said was completely right. So Prabhupada came in 3 or 4 days after, and he made everyone understand that really he was a Ramchandra with him. रसानंद ब्रह्मचारी संक्षेप में अभी बहुत दूर जाना है जेते ही हो देखो ना हम सब व्यवस्था आज के जे जाबे ना ताते कोन दिन जेते दिबो आज मेरे गुरुपाद पद्म का जन्मतिथि है। श्रीला महाराज जी मुझे आदेश दिए उनको अपदान वैशिष्ट को बताने के लिए जितने प्रभुपाद का जितने गंध ये कोई साधारण गण नहीं है। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में जब आए वो अकेले नहीं आए अपना संपूर्ण पैतृक को लेकर आए। फिर दूसरी तरफ जब श्रीला भक्ति से आए तो वो अकेले नहीं आते संपूर्ण अपना परितर लेकर के आते। इसलिए जिस समय साई गुरु पर अंदर ध्यान हो गए जब प्रभुपाद बड़े दुखी होकर के मायापुर में सोच रहे थे हमारे गुरुवर्ग ने जो कुछ दायित्व दिया उसका हम कैसे मेरे पास में अर्थ बल नहीं जन बल कुछ नहीं थी लेकिन कोई आदेश तय करके गए पृथ्वी पे आशीर्वाद तो लगा दीजा सर्वत्र प्रचार को करना यहाँ दायित्व मेरे ऊपर तय करके इसको कैसे सफल कर दो। तब उसने अपना स्वप्न समाज में दर्शन किया कैसे महाप्रभु अपना पैतृक में आते थे। कहते कोई चिंता मत करो केवल तुम सोच रहे तुम अकेले हो कि अकेले नहीं चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें सब जन बल अर्थ बल सब हम देने के लिए तैयार थे मैं तुम्हारा पीछे पीछे सबको भेज रहा हूँ इसलिए केवल तुम प्रचेष्टा करो। प्रभुपाद कहते हैं उसको बाद में मेरे मन में ये उत्साह हो गया अभी तक तो मुझे लग रहा था मैं केवल अकेला हूँ लेकिन मैं अब लगा नहीं महाप्रभु स्वयं ये प्रचार में मदद करने के लिए मदद करना चाहते हैं। तब उसको बाद में कोटि कोटि मेरे अंदर में उत्साह आ गया इसलिए जितने प्रभुपाद का गण थे ये सारे के सारे महाप्रभु का द्वारा भेजा हुआ है जैसे हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जो आए तब प्रभुपाद ने उनको प्रश्न किया तुम अभी तक कहाँ था। तब वो कहते हैं गुरुदेव अभी तक आप मुझे स्मरण नहीं किया अभी मुझे स्मरण किया है सेवा के लिए बुलाया इसलिए आ गया अभी तक तो मुझे आपने बुलाया नहीं था। देखो इसी से कौन बोल सकता है ये बात को इसलिए ये बात पता चलता है
जब जब भगवान इसको अपना सेवा के लिए जरूरत पड़ा और जब जब जैसे बुलाए आए, इसलिए महाप्रभु का कर्म दिखाई पड़ता है इसलिए प्रभुपाद इसको सुन करके बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद ने कहा अगर मेरे बात को पूरा क्योंकि मैं जो सीखना देता हूँ अगर इसको बोलोगे तो मुझे एक पैसा मीठा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग मेरे पास 25% और अपना बात 75% बोलते हो तो मीठा मिलता है और मेरा बात बोलोगे पर तुमसे मीठा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जैसे इसको प्रूफ रीडिंग करना है प्रूफ रीडिंग करने का जो नियम है पहले जितने कुछ लिखा वो सब गलत है, अभी इसमें कितना सत्य है हम इसको निकालना तब कोई प्रूफ रीडिंग कर सकता है। दूसरी तरह पृथ्वी में धर्म नाम जगत कथा चले भागवत कहने का परिपूर्ण चले, जगत में धर्म नाम है जितने बार चल रहा है भागवत कहता है ये धर्म नहीं है, ये संपूर्ण छल कपट प्रपंच है। इसलिए अगर कोई शुद्ध धर्म कोई किया है तो ये महाप्रभु और शुद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है। इसलिए मैं गुरुपाद बताऊ उनका जो जन्म है वैशाल में उनका जन्म हुआ पूर्व बंगाल में। जब भक्ति भारती गोस्वामी महाराज वहां प्रचार करने के लिए गए तब हमारे गुरु जी कलयुग में विवेकानंद पार्टी का लीडर थे, सर्वप्रथम विदेश के लिए गया ये इसलिए धर्म में बहुत आग्रह मानते हैं। इसलिए विवेकानंद पार्टी का लीडर जब भक्ति में भारतीय गोस्वामी महाराज वहां पर गए तो वहां पर बोले एक बहुत बड़े सुविधा आए हैं प्रचार करने के लिए, उनको बुलाए कलेज में बुलाए वो तो विवेकानंद धर्म का हेड मान थे बुलाओ। तो वहां पर जब भारतीय गोस्वामी महाराज आए और एक घंटा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक लेकर के एक घंटा इतनी विश्वनाथ आचार्य था कि काम को लेकर इतनी सुंदर योजना की जिनका परम कर्तव्य क्या है उनको इतने
स्थापन किया जिसको सुनकर के ब्रह्मा उसी समय ही निश्चित कर दिया कि साधुओं के साथ ही चला जाऊंगा और घर में मैं नहीं रहूंगा। इसलिए जब उन्हें आने के लिए तैयार हुए तो बहुत बड़े संभ्रांत करने हुए बहुत जमींदारी करते हैं। इसलिए बंगाल में कोई साधु बनना कोई साधारण बात नहीं। जब ये आने के लिए तैयार हुए इतने ने उनको घर वाले को पुलिस में रिमांड कर दिया। जबकि बाबा को आप देखते हैं बच्चे को बुद्धि बिगाड़ दिया और इसको साथ में बाबा बना के ले जा रहे। इसलिए हमारे गुरु जी जब आने के लिए चाहते थे उनके जो जबरदस्ती वहां से छीन करके हमारे गुरु जी ले गए लेकर के फिर हमारे गुरु जी क्या जीवन करके रघुकार दास गोस्वामी जीवन की मिल कर देता फिर इनको चार पांच जगहों को इनको पीछे लगा दिए। जब ये घर से कहीं बाहर से नहीं निकल सके कहीं खाने के साथ करके ले जाए दो तीन लोग जाते थे और बाहर से ताला बंद करके उनको रखते थे ये बाबा बंद नहीं जाए क्योंकि उसमें पढ़ते थे बहुत बड़े घर की जमीदारी कौन सा हमें इनको बाहर नहीं। इसलिए इनको बड़ी कड़ी नजर में रखी लेकिन हमने गुरु ने देखा हिसाब करने के लिए दो तीन घर में ताला बंद करके क्या करें। इसलिए गुरु जी ने बहाना बनाया हमारे गुरु जी ने तुलसी तोड़ दिए और चोटी को काट दी बोले बाबा लोग कहां आ करके पता नहीं मेरे गुरु जी को बड़ी को खराब कर दिया दिमाग को क्या कर दिया और बोले बाबा पागल हो गया इसलिए उन्होंने नाटक किया है। जब उन्होंने नाटक की तब दरबार में सबसे हमारा बेटा सही हो गया इसलिए गुरु जी ने बहाना बनाया बड़े दिन हो गया चार महीना हो गया घर से बाहर निकलने नहीं देते इसलिए बड़े दिन हो गया कहीं मेरे का मन बड़ा खराब हो गया सही हो गया इसलिए कोई बात नहीं किया बस गुरु जी पढ़िए एड्रेस लेकर रखे गए तो खुरासी उल्टा गिराए बड़ी सेवा की महाराज से बता रहे थे हमारे भारत में आम व्यक्ति को पता है कि साधु लोग खड़े हो गए और इतने बड़े धोते हैं मूर्ख होते हैं और उस समय इसे सारा खाई सकते इन लोगों का खाई सकता है। गुरु जी मंदिर में आए देखा तो अंग्रेजी में बात करते हैं संस्कृत में बात करते हैं और इतनी भी नहीं कसी जो प्रभुपाद बैठते हैं कुछ लोग बैठते इतने तीन तीन फिलोसफी के ऊपर में बैठना होगा जहाँ समझना समय तो कलेज में पढ़ रहे थे उसमें कलेज में पढ़ना तो ज्यादा मजा नहीं आता इतने पढ़ लिखे हिस्सों में भी उन्होंने कुछ था नहीं किया इनका कितना गंभीर विवेचना और कितने शास्त्र में गंभीर थे जिसको देख लेकर देखा गाँव में जाओ साहब साधु बना हम नहीं रह सकते देखा हमसे सामने की सोचना था कि साधारण हो गई लेकिन इतने था नहीं मिल रहा है तब उन्होंने तो लेकर काम लिखा बना नहीं होगा फिर उन्होंने काम कर गए फिर बातें जो लिखते हुए डालता हूँ फिर बाबा जाकर फिर उन्होंने लिखा पढ़े लव पढ़े जब तक जो प्रस्थान त्रय त्रय प्रस्थान है एक वेदांत सूत्र है दूसरे को बनी सत्र है तीसरे ब्रह्म सूत्र है जब तक ये तीनों ग्रंथों पर भी किसी संप्रदाय का इसी पर में टिका नहीं हो कभी उसी संप्रदाय को हमारे भारत में उसको कोई संप्रदाय ही नहीं मानते उसको कोई वैल्यू नहीं देते। इसलिए इसी ये तीनों ग्रंथों को पर में प्रस्थान त्रय पर में इधर शंकराचार्य की उपासना है रामानुज मध्व विष्णु सम्यक विवाद इन सब की बात है। इसी चीज को देख करके भक्ति हृदय स्वर्ग महाराज लेके हमें गुरु जी को बहुत विवाद प्रभुपाद था देखो अपना संप्रदाय का विचार के अनुरूप एक भाष्य होनी चाहिए लेकिन अभी तो हम पढ़ते पता है ऐसी कोई भाष्य होनी चाहिए जिसमें महाप्रभु का विचार हो जिसमें और उसमें ये दिखना चाहिए अर्थ है ब्रह्मसूत्र ये जो ब्रह्मसूत्र क्या है तत्र अर्थ है तत्र श्रीमद् भागवत का अर्थ ब्रह्मसूत्र
ऐसे ग्रंथों में जाइए, हर ब्रह्म सूत्र में उनको दिखाना चाहिए कैसे ये भागवत का अर्थ है, ये चीज, और उसमें महाप्रभु का विचार करना। तीसरी बात है, उसको पहले तक जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे थे उसमें शांत दास्य और सत्य रस का कहीं दिखाया नहीं, उसको बड़े कोई वात्सल्य रस कोई श्रृंगार रस का शुभ योजना नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद ने उसको कहा, लेकिन महाप्रभु जगत में जो उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए आए थे और प्रज्ञा भाव और ब्रज प्रेम देने के लिए आए थे, इसी चीज में ब्रह्म सूत्र गुरु जी को देना चाहिए, और ऐसे देश हमारे संप्रदाय के अनुरूप एक भाष्य होनी चाहिए। भक्ति महाराज बोल रहे हैं, मैंने कोशिश किया लेकिन एक छोटी ग्रंथ उसमें प्रकाशित किया है, लेकिन उसको निकाल करके मैं संपूर्ण रूप में मैं प्रसन्न नहीं था, मैं चाहता था नहीं बहुत दिन अच्छे रूप में होनी चाहिए ग्रंथ, इसलिए यह चीज को हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे रूप में महाराज बता रहे, इसलिए वेदांत का आम व्यक्ति का करना है जो वेदांत है ये शंकराचार्य भाषा इसको बढ़ने इन मायावादी का है, लेकिन हमारे शक्ति प्रज्ञा किशोर गोस्वामी महाराज इसलिए समिति का नाम ही मुक्ति गौरी वेदांत समिति और जितने सन्यासी का नाम पीछे वेदांत वेदांत किया है, इसे क्यों दिया हमारे महात्मा लिखते हैं क्यों दिया है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा रहस्य है, इसलिए हमारे गुरु महात्मा वो वेदांत सूत्र को निकाल करके इन्होंने क्यों वेदांत सब दिया, सन्यासी का नाम समृद्धि का नाम इन्होंने क्यों वेदांत रखा, वो कहीं नहीं है जिसको दिखाया है, इसलिए वहां पर यह दिखाया जो वेदांत है वो वेदांत है, इसलिए श्री दासदेव जी वही वेद लिखे, अब वेद का सार उपनिषद जो उपनिषद है वेद का सार छोड़े, लेकिन वो उधर उधर, लेकिन वो उपनिषद को जब ब्रह्म सूत्र रूप में लिखते हैं हमारे गुरु जी वहां लिखते, जब तक कोई ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ते हैं तब ब्रह्म सूत्र में सारे सिद्धांत है, सारे सिद्धांत ब्रह्म सूत्र है, इसलिए कुछ दिन पहले महाराज जी मथुरा में बता रहे बोल रहे थे ब्रह्म सूत्र को कुछ याद रखनी चाहिए, सचमुच से ब्रह्म सूत्र का कोई एक सूत्र नहीं चाहिए, एक एक सूत्र में जन्मांत एक एक सूत्र को लेकर के आप सारे शास्त्र को ले सकते हैं, सारे विचोड़ सूत्र कर, इसलिए उसमें इसमें हमारे गुरु ने दिखाया कि समान अभिनय प्रयत्न सारे तत्व सूत्र में हमारे गुरु पाद वो चीज को जो वेदांत का जो असली तात्पर्य है ये वेद का अंत है, वेद का सार है, वेद का सार क्या है, दिगम कल्प स्वरूप दलितम फल, दिगम जो वेद का जो दलितम फल उसका जो सार है भागवत है, भागवत का सार क्या है, भागवत का सार ब्रज प्रेम है, ब्रज प्रेम में क्या सार है उसमें श्रृंगार रस है, इसमें गोपी प्रेम, इसमें उन्नत उज्जवल रस है, इसमें गोपी गीत है, भरभर गीत है, जो उसमें गीत है कभी, इसलिए ये वेदांत का तात्पर्य है भक्ति वेदांत नाम आते ही भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज इसका मतलब आते ही जो जानते हैं वास्तव रूप में केवल वेदांत सब उच्चारण करते ही ये केवल श्रृंगार रस नहीं उपासक है, ये केवल उन्नत उज्जवल रस नहीं हो पर क्या रस भी उपासना करने वाले इसलिए वेदांत का नाम है, यही चीज ही सामने दिखता है, इसलिए हमारे गुरु भागवतम यह चीज को सिर्फ वेदांत सूत्र में एक एक सूत्र को उठा उठा करके और भागवत का श्लोक को ला करके दिखाया ये कैसे अर्थ है वो ब्रह्म सूत्र और उसी में चैतन्य चरितामृत और विभिन्न ग्रंथों का पठन को लेकर इतने सुंदर रूप में उसका मूल उसको और उसको भाष्य बलदेव विद्याश्रम और उसको ट्रांसलेशन किया उसको ऊपर में एक भाष्य हमारे गुरु से बन लिखा है इस पर लिखा फिर अभी महाराज गीता के ऊपर भी इसलिए जो प्रस्ताव में तय है ब्रह्मसूत्र हमारे उपनिषद है ग्यारह उपनिषद को उसने दिखाया जो ग्यारह उपनिषद में आम जो मायावती का अधिकांश उपनिषद कोई पढ़ते हैं क्योंकि उनको कोई द्वारा सुना भगवान का नाम नहीं है सारे ब्रह्म परमात्मा लेकिन वहां पर उसमें हमारे गुरु जी ने रसमय टीका को लेकर के नहीं उपनिषद मतलब जो उपनिषद निकट निषद के बात कर रहे हैं जो व्यक्ति भगवान के पास बात कर रहा भगवान के तक जीव को जो ले जाए इसलिए उपनिषद ही भगवान के पास ले जा सकता है इसलिए हमारे गुरु जी बड़े सुंदर रूप में वैष्णवी जो व्याख्या है महाप्रभु धरा के अनुरूप जो व्याख्या है वैष्णवी की व्याख्या उसने दिया है बड़े सुंदर रूप में और ये भगवत टीका बहुत विलम्ब हो जाएगा बहुत काम है इसलिए अभी वहाँ पर अभी अर्चन करना है जल्दी जल्दी एक मिनट और हमारे गुरु जी गीता का वर्ग भी अपना श्रेय में से लिखा है इसलिए सारे ग्रंथों को और सब उद्धव उद्धव संदेश और श्रीराम बिंदु प्रणाम अब दो वो तो मैंने सब कह दिया है दो ये महाजन की संग्रह ये इस बहुत सारे ग्रंथों को हमारे गुरु जी ने प्रकाश कर दिया है प्रकाश करके
जगत में एक सुंदर दिव्य वस्तुओं को हम लोगों के लिए एक अवदान रूप में एक बहुत बढ़िया चीज को हम लोगों के लिए देते गए। बहुत कुछ बोलना था, अभी हम लोग कहीं जाएंगे। हाँ, फिर अभी कल समय देंगे या परसों। हाँ, जिन ग्रंथों को प्रकाश देखिए है कभी ना कभी ऐसे ग्रंथों को प्रवेश कर सके और उनको बड़े संस्कृत मेहनत करके विकास में हम कहीं उनके चरणों में प्रार्थना करें। Thank you.